और अब नागरिकता के दायरे में वो तमाम लोग जो यहाँ पर 2014 से पहले, ये निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा दिल्ली से। निजाम, CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी, जी मीडिया लगातार ये खबर दिखा रहा था कि आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और अब नोटिफिकेशन जारी। निजाम, कानून इसी के साथ यह भी कहा कि दशकों से पीड़ित जो शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन नहीं दिया गया था, अब उनको सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, आपने दिल्ली में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चाहे राजस्थान में कई जगह देखा होगा कि वो लोग बहुत बुरी हालत में थे, उनको नागरिकता नहीं थी, जो मूलभूत सुविधा उसको मिल पा रही थी क्योंकि नागरिकता नहीं थी। अब उनको नागरिकता मिलने के बाद भारत की जिसे हम आपको जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है संविधान के तहत, उन सब अधिकारों का उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो छह जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, तीनों देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी, उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह से, ये भी इस अधिसूचना में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने, और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। निजाम, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बता दिया है ये जो पांच धर्म है, छह धर्म है, इनके लोगों को अब वो तमाम सुविधाएं मिलेगी। नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है, इसे लेकर इंतजार जो लोग कर रहे थे काफी सालों से नागरिकता के लिए, अब उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं भारत सरकार ने। निजाम, बिल्कुल, देखिए कि ये बहुत बड़ी बात, लगातार इसको लेकर कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से, 6-7 दिनों से दिल्ली और एक तरह से अलर्ट पर रही, और अब एक तरह से CAA 10 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कहा भी था, भाषण इसको लेकर बयान भी दिया था कि बहुत जल्दी जो है देश में CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चूँकि अगर आप इसको देखें तो 2019 में ही सरकार राज्यसभा और लोकसभा से इसको पारित करा चुकी है। अगर 12 दिसंबर 2019 को इसका अगर कहें नोटिफिकेशन, अगर कहें जो राष्ट्रपति की ओर से जो है इसको पारित कर दिया गया था, इसके दो बड़े प्रावधानों को अगर समझना है तो देखिए कि CAA से किसे नागरिकता मिलेगी। वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर जो भारत आए हैं, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोगों को ही नागरिकता के आवेदन करने की अनुमति होगी और ये आवेदन करने के योग्य भी इन तीन देशों के लोग होंगे। दूसरी जो बात आती है वो है कि क्या भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा CAA, तो इसमें भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं, ये केवल बाहरी देशों से लोगों को, बाहरी जो कह सकते हैं तीन देशों में जो लोग रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, वो उनको लेकर ये इसमें पूरा प्रावधान किया गया है। अब कैसे आवेदन करना होगा इसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि उन्हें आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा अगर बात की जाए इनको आवेदन, और इसके साथ ही आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आएँ, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जो हैं उनको उपलब्ध कराने होंगे और इसके बाद आवेदन कर पाएंगे। इस तरह से देखिए देश में रहने की जो अवधि है वो 5 साल कम से कम रहेगी, और जो पहले देखिए पहले जो ये विदेशियों के लिए, अन्य विदेशियों के लिए ये अवधि जो है 11 साल से अधिक है। जो वर्तमान की अगर बात करें पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम के तहत अगर बात करें तो फिलहाल वो 11 साल है। आवेदन के वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो तय समय में पूरी की जाएगी। आवेदन जो है सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, इसमें प्रोसेसिंग होगी कि ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की जो क्लियरेंस होगी उसके बाद ही जो है ये CAA वाला अलाउ किया जा सकता है। इसमें दूसरी बात, नागरिकता का त्याग प्रमाण पत्र जरूरी बिल्कुल नहीं। जैसे पाकिस्तान से आए लोगों को लेकर जो है पाक उच्चायोग से जो नागरिकता का त्याग प्रमाण पत्र होगा वो लेना होता था, लेकिन अब सरकार इसकी अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। और इसके साथ ही इस पर काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, तो इसमें ये भी साफ किया है गृह मंत्रालय का जो फॉरेनर्स डिविजन है, जो विदेशी विभाग है गृह मंत्रालय का, वो इस नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र पर कार्रवाई करेगा। इस अधिनियम में साफ बताया
गया है कि गो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सक्षम प्राधिकरण है उसका गठन नहीं होगा। अथॉरिटी का काम गृह मंत्रालय का फॉरन अफेयर्स डिवीजन ही करेगा। राज्य और जिला स्तर पर अलग प्राधिकरण बनाए जाएंगे। अब ये है कि इस कानून को समझे तो 1955 का जो कानून है नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के जरिए इसको बदला गया। 1955 का जो कानून है उसी में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। ये बदलाव थे कि भारत के तीन मुस्लिम देश जो कि हमने बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इससे पहली बार संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट बना के दे दी थी। 2019 में अगर बात करें 11 दिसंबर 2019 को इसको राज्यसभा में नागरिकता ये जो कानून है उसको पक्ष में करीब 125 वोट पड़े थे और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और आज जो है कह सकते हैं सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण इस मामले में कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला, और ये भी कह सकता है बिल्कुल जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है इस मामले में, चाहे वो अलग अलग तरीके से विरोध भी होते रहे, लेकिन बहरहाल बीजेपी सरकार ने अपने उस एक वादे के तहत या कहें वो अपने उस मूड के तहत उसने इस घोषणा को लागू करने की कोशिश में एक कदम उठा दिया। ठीक है, सुमित, ठीक है, शुक्रिया निज़ाम।